सुजानगढ़ में विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों की जन सुनवाई में पहुंचे और खुद प्रत्येक दिव्यांग तक गए और उनसे उनकी समस्याएं जानी और परिवाद भी लिए। शर्मा ने दिव्यांगों को आश्वस्त किया कि मैं सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयास करूंगा। उन्होंने प्रत्येक दिव्यांग को अपने व्हाट्सएप नंबर दिए ताकि दिव्यांगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर वो शिकायत कर सकें। दिव्यांगों ने अपने बीच में आयुक्त को पाकर काफ़ी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण सभी दृष्टिकोण से दिव्यांग व्यक्ति सक्षम बने और समाज में उनको सशक्त मुकाम हासिल हो। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ तहसील में कुल 1328 दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको निःशुल्क चिरंजीवी योजना तथा खाद्य सुरक्षा के फायदे पहुंचाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए सभी कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यालय में 2 व्हील चेयर व रैंप की व्यवस्था आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश अभी जारी कर दिए गए हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है सभी दिव्यांगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जोड़कर इन्हें लाभ पहुंचाया जाए। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की निशुल्क इलाज की व्यवस्था है। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, पंचायत समिति की प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर नगर परिषद के आयुक्त कमलेश मीणा, उप सभापति अमित मारोटिया, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहम्मद इदरीस कोरी, विकास अधिकारी शिव कुमार शर्मा, बजरंग सेन, रामजी लाल शर्मा सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। स्वागत भाषण सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल मायल ने दिया जबकि संचालन मंगला राम गुजर ने किया। इस अवसर पर CBEO कुलदीप व्यास, ब्लॉक CMHO डॉक्टर OP धानिया, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद जाकिर क्याल, पार्षद आसिफ खान असवाण, पार्षद ओंकार मल बेखवाल, पंचायत प्रसार अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, घनश्याम भाटी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सावंत सिंह राजपुरोहित की शिकायत पर विशेष योग्यजन आयुक्त ने कहा कि सभी रोडवेज में दिव्यांगों को सीट दिए जाने के लिए परिचालकों को पाबंद किया गया है। शिविर में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए। विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा तहसील मिशन तहसील 392 प्रारंभ किया गया था बीकानेर संभाग से। इसके अंतर्गत हम लोग 7 संभाग के 33 जिलों की 392 तहसील पे खुद स्वयं जाकर सुनवाई कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वे भी इसमें मौजूद रहते हैं, साथ ही हमारे अधिकारी वर्ग जो हैं सभी विभागों से वो यहाँ मौजूद रहते हैं। उस दौरान हम लोग सुनवाई करते हैं, सुनवाई करने के बाद समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने का यथासंभव पूरा प्रयास भी करते हैं। यदि कुछ कार्य रह जाते हैं तो उसके बाद हम लोग उसका पूर्ण रूप से फॉलोअप लेकर 10 से 15 दिन में निस्तारण करने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम के अंदर जब बीकानेर जिले से हम लोगों ने नोखा तहसील से इसको प्रारंभ किया था, उसी क्रम में आज यह बीकानेर संभाग का आखिरी जिला चूरू, उसके अंतर्गत दूसरा दिन है, तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन के अंतर्गत अब लोग हम यहाँ से सुनवाई जो कर रहे हैं सुजानगढ़ के अंदर। तो अब हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, जैसे कुछ परिवहन पास जो राजस्थान सरकार निःशुल्क बस यात्रा के लिए करती है तो कुछ विशेष योग्यजनों के वो पास नहीं है, उसके लिए भी हमारे परिवहन विभाग से अधिकारी हैं मौजूद हैं, बना रहे हैं। साथ ही कुछ लोन के संबंध में आया कि हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो हमारी चलाई जा रही है उसके तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है विशेष योग्यजनों को रोजगार करने के लिए, उसके भी कुछ आवेदन हमारे पास आए हैं। और कुछ समस्याएं जो लोग कह रहे हैं कि हमारे को स्कूटी का जैसे आवेदन किया है तो वो भी हम लोगों ने बताया कि बहुत जल्द स्कूटी वितरण कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस स्कूटी वितरण के अंतर्गत भी पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर 5,000 स्कूटी हम लोग वितरित कर रहे हैं, जो शिक्षण स्थल पर जाते हैं या कार्यस्थल पर जो कार्य करते हैं उसके संबंध में ये सब काम किए जा रहे हैं कैंप के माध्यम से। और साथ ही जो प्राथमिकताओं में हम लोगों ने रखा है वह रखा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को। आज सुजानगढ़ के अंदर लगभग 1400 विशेष योग्यजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको आने वाली अगली 1 तारीख से पहले पहले समस्त रूप से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देते हुए पंजीकरण संपूर्ण 100% करते हुए वह भी आज हम लोगों ने यहाँ पे एक आदेश जारी किया है, शिक्षा आपके चिकित्सा विभाग से हुआ है। और एक हम लोगों ने आज यहाँ पर बताया कि बस के लिए जो सुविधाएँ होती हैं विशेष योग्यजनों ने कुछ हमें आज यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेशन दी थी और उसमें बताया कि हमारे को बस में आरक्षित सीटों उस पर बैठने नहीं दिया जाता, कई बार हमारे से दुर्व्यवहार होता है, तो इस संबंध में भी आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुजानगढ़ के दुलियावास स्थित गोड भवन में सदाश्री विधायक व राजस्थान ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित भवनलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई है। सरोज
ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ओड समाज के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल गिलान ने पंडित मोहनलाल शर्मा के जीवन पर्यंत किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गोड़ समाज के अध्यक्ष ब्रिज मोहन सरोलिया, खांडल समाज के अध्यक्ष हरी प्रसाद चोटिया, पारिक समाज के अध्यक्ष दीनदयाल पारिक, बागड़ा समाज के महामंत्री राजकुमार बागड़ा, लोडसर सरपंच कन्हैया लाल शर्मा, रविंद्र पांडे, मनोज पारिक, मुकुल मिश्रा, महावीर गिलान, राम रतन बोचेवाल, सुरेश इंदौरिया, निरंजन शर्मा, वैद्य लक्ष्मीकांत शर्मा, राम निवास इंदौरिया, पुरुषोत्तम शर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्रा, जयप्रकाश मटोलिया, राकेश रिणवा, यागवेंद्र त्रिवेदी सहित अनेक लोगों ने पंडित भवनलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आज दिनांक 16 तारीख को स्थानीय गौड़ समाज गौड़ भवन में सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में सरदार शहर विधायक पंडित भवनलाल जी शर्मा, जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष थे और मंत्री भी रह चुके थे और समाज के प्रति वो समर्पित थे, वो इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर सर्व ब्राह्मण समाज को एक होने के लिए अथक प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने अपना जी जान लगा दी। इसीलिए आज क्या है, सुजारण करते हैं, जितने ब्राह्मण समाज के लोग थे वो यहाँ गौड़ भवन में इकट्ठे हुए और उनके भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय इकाई का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर रमा शेखावत को, उपाध्यक्ष माया जाखड़, रजनी शर्मा, सचिव ऋतिका स्वामी, सह सचिव वीणा चोटिया, SFD संयोजक संजना, सह संयोजक ज्योति शर्मा, RKM संयोजक निकिता, सह संयोजक अनुष्का जंगिड़ को बनाया गया। इसी प्रकार अन्य पदों पर भी नियुक्तियां प्रदान की गई है। जिला संयोजक राहुल सामरिया, नगर विस्तारक सुमित तिवाड़ी ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ जिले की सुजानगढ़ की नगर इकाई द्वारा कॉलेज के कार्यकारिणी सोना देवी सेठिया महाविद्यालय में इकाई अध्यक्ष रमा शेखावत को बनाया गया है और संपूर्ण नगर की कॉलेज कार्यकारिणियों में विस्तार करके इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम सभी ने मिलकर सामने आने वाली रानी लक्ष्मीबाई जयंती 19 नवंबर की तैयारियां शुरू कर दी है, जो महाविद्यालय कैंपस में रानी लक्ष्मीबाई जयंती भी मनाई जाएगी। सुजानगढ़ सालासर रोड पर स्थित बोबासर पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार युवक को ट्रक द्वारा टक्कर मार दिए जाने से बाइक पर सवार युवक की मृत्यु हो गई है। घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां टीम हारेका, सारा के संयोजक श्याम सोनकार, गजानंद आदि लोगों ने घायल को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। चिकित्सकों ने घायल शिमुराम उम्र 26 साल निवासी बोबासर विदावतान को मृत घोषित कर दिया। शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल के मोर्चरी में ही रखवाया गया है। अगले दिन पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई करेगी।